हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद कृष्णा ठकुरी। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको राम झूला और चोटी वाला रेस्टोरेंट दिखाया, तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज मैं आपको दिखाऊंगा लक्ष्मण झूला और बहुत ही खूबसूरत प्राचीन मंदिर त्रिमकेश्वर महादेव मंदिर, और उसके बाद मैं आपको दिखाने ले जाऊँगा त्रिवेणी घाट। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए चलते हैं। तो गाइज, हम आ गए हैं त्रिमकेश्वर मंदिर, जो लक्ष्मण झूला के पास ही है। त्रिमकेश्वर मंदिर जो है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये लक्ष्मण झूला के पास ही है। और त्रिमकेश्वर का मतलब होता है तीन आँखों वाला भगवान। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के भव्य दर्शन। ये देखिए गाइस, दर्शन श्री ब्रह्मा जी, दर्शन श्री विष्णु जी और दर्शन महेश जी। तो ये मंदिर है त्रिमकेश्वर मंदिर के, हम दर्शन करा रहे हैं आपको। और चलिए ऊपर चलते हैं। ये 13 मंजिल, इसको 13 मंजिला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर है वो 13 मंजिल के मंदिर है। ये देखिए गाइस, राफ्टिंग, यहाँ पे राफ्टिंग हो रही है। उधर से भी आ रहे हैं अभी। और ये है लक्ष्मण झूला। नीलकंठ तक जो रास्ता जाता है वो इधर से भी जाता है। तो एक रास्ता इधर से जाता है जंगल होते हुए बीचों बीच ऊपर से, और एक रास्ता उधर से जाता है। वो आप देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। वो रास्ता होके आगे जाके ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करके आना तो इधर ही है, लेकिन इधर से भी जा सकते हैं। दो रास्ते हैं नीलकंठ जाने का, तो आप कहीं से भी जा सकते हैं। इसके ऊपर देखिए गाइस, यहाँ से वो वहाँ टॉप में जाना है। अभी देखिए कितना ऊंचा मंदिर है ये। हाँ, चलिए चलते हैं। जी जय भोलेनाथ। राफ्टिंग का मजा लेते हुए, यहाँ गर्मियों में तो यही है, राफ्टिंग के ही मज़े लेते हैं सब। ये देखिए कितने सारे राफ्टिंग हैं इधर, और वो आगे से आ रही है, वो ऊपर से ही शिवपुरी से राफ्टिंग शुरू होती है। मैंने भी किया था एक बार, तो उधर से आते हैं। मैं भी यहीं पे आके फिनिश हुआ था। ये जो नीचे ये जो लोग खड़े दिख रहे होंगे आपको, वो ऊपर से आया शिवपुरी से होते हुए, मैं और मेरी फैमिली, और यहाँ पर फिनिश हुए थे। जहाँ पे वो देख रहे होंगे आप लोग खड़े हैं जहाँ पे, तो यही है यहाँ की खूबसूरती। चलिए आगे चलते हैं। जय भोलेनाथ।
श्री धौलागिरी महादेव जी, धौलागिरी महादेव, यह श्री धौलागिरी महादेव शिवलिंग दिखा हुआ है, ये श्री धौलागिरी महादेव। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, ऊपर पहाड़, नीचे गंगा जी के दर्शन और लक्ष्मण झूला, कितना अच्छा है नहीं। ये देखिए रास्ते, मैं तो जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए कितने मजे ले रहे हैं। अच्छे फूल खिले हैं, इतने अच्छे फूल खिले हैं ना। ये देखिए मंदिर है वहाँ भी एक, और ये जो सामने दिख रहा है यही है लक्ष्मण झूला। ये जो लक्ष्मण झूला है ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, एक डेढ़ साल से ये बंद है, क्योंकि ये झूला थोड़ा कमज़ोर हो गया है, तो शायद यहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, नहीं तो यहाँ पे तो बहुत ही यात्री का आना जाना लगा रहता था, जगह ही नहीं मिलता था इस पुल से गुजरने के लिए। तो यही है लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूला के साथ ही है ये मंदिर, ये आप देख सकते हैं, और ये शिव जी का मंदिर है। जय, देखिए कितना खूबसूरत, देखिए हर मोड़ पे आपको यहाँ शिव जी का शिवलिंग मिलेगा, ये देखिए। जय भक्त, ये मुझे लगता है श्री राम जी ने ये शिवलिंग को ऐसे पकड़ के रखा है, क्योंकि राम के बिना शिव नहीं है और शिव के बिना राम नहीं, ये तो आप सभी को पता है। जय भोलेनाथ, ये देखिए जैसे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत इन सब भाइयों के यहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे जैसे राम ने रावण का वध किया था, लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था, तो उनको पाप प्राश्चित के लिए वो इस जगह आए थे, और यहाँ पे उन्होंने अलग अलग जगह यहाँ पे तपस्या किया था। तो राम ने यहाँ पे आपका देवप्रयाग पड़ता है, यहाँ पे किया है तपस्या, और लक्ष्मण जी ने झूला पार करते हैं, लक्ष्मण झूला ब्रिज पार करेंगे, तो यहाँ पे मंदिर है लक्ष्मण जी का, और
आगे और आगे राम दुला के पास जाएंगे, वहाँ पे शत्रुघ्न मंदिर है, शत्रुघ्न घाटी बोलते हैं वहाँ पे। और मेन मार्केट जो ऋषिकेश प्रताप का त्रिवेणी घाट जिसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, वहाँ पे भरत जी का मंदिर है। और ये मंदिर इसको बोलते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है। और ये मंदिर वैसे नासिक में है महाराष्ट्र में, यहाँ पे मंदिर स्थापित है। अच्छा, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में वैसे इसका जो मेन मंदिर है महाराष्ट्र में है। अच्छा, ये 12 मंजिल है और ये सामने आपका 13 मंजिल पड़ता है, स्वर्ग निवास मंदिर बोलते हैं उसको जी। तो जो स्वर्ग निवास मंदिर है उसमें जो है जैसे सती जी के कुछ वस्त्र गिरे थे यहाँ पे, तो उसको शक्तिपीठ बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये 12 मंजिल है, 13वां मंजिल कहाँ पे? 13वां मंजिल बिल्कुल सामने है सर। अगर अच्छा, तो वो जो सामने उसको स्वर्ग निवास बोलते हैं, स्वर्ग निवास 13 मंजिल, उसमें सब लास्ट में अमरनाथ जी का मूर्ति है, बीच में सभी देवी देवता हैं उसमें, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सब उसमें। बाकी यहाँ जितने देवी और देवी और भोलेनाथ के मंदिर हैं सब ऊँचाइयों में हैं, ऊपर पहाड़ियों में है, सब शक्तिपीठ है यहाँ पे। तो गाइज जैसा पंडित जी ने बताया कि ये 12 मंजिल है और जो 13वीं मंजिल है वो उस पार में है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो उसको 13 मंजिल कहा गया है। तो ये एक्चुअली में 12 है, मैं तो सोचा था कि ये 13 होगा, लेकिन 12 मंजिला है ये। 13वां मंजिल जो है वो उस पार है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये जो है ये 13वीं मंजिल है बाबा अमरनाथ जी का, वहाँ पे मंदिर है, वो है 13वीं मंजिल। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको बोला था कि इसके बाद हम त्रिवेणी घाट जाएंगे, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कल मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊँगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय, टेक केयर।